दिल्ली के रोहिणी जिला साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो बेरोजगार लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में हाई प्रोफाइल जॉब का ऑफर देकर ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 डेबिट कार्ड, 3 लैपटॉप, 9 मोबाइल, 9 सिम कार्ड, 7 बैंकों की चेकबुक, फर्जी रबर की मोहरे आदि सामान बरामद किया है। रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी रविकांत कुमार के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिल्ली के उत्तम नगर निवासी आयुष राजपूत और जनकपुरी निवासी सिद्धार्थ के रूप में हुई है। दरअसल रोहिणी जिला साइबर थाना पुलिस को पोर्टल के माध्यम से ठगी की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके बाद रोहिणी ऑपरेशन सेल के एसीपी ब्रह्मजीत की देखरेख में एसएचओ साइबर अजय की टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट के आधार पर दोनों आरोपियों को उत्तम नगर और जनकपुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू के साथ ट्रेनिंग के नाम पर ठगी की है। आरोपी नौकरी के लिए आवेदन करने वाली वेबसाइट से बेरोजगार लोगों को डाटा कलेक्ट करते, फिर उन्हें कॉल कर खुद कंपनी का एचआर बताकर प्रभावित करते और मेल पर फर्जी जॉब लेटर देते और रुपए अपने खाते में डलवा लेते। पुलिस ने अभी तक 3 मामले सुलझाने का दावा किया है। वहीं पोर्टल पर 37 अन्य शिकायतों को भी इन्हीं आरोपियों से लिंक पाया गया है। इसकी जांच जारी है। साइबर पुलिस स्टेशन ने ऑनलाइन चीटिंग करने वाले एक गैंग को वश किया है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब दिलवाने के नाम पर सीधे साधे युवकों को चीट करते थे। ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलवाने के नाम पर रोहिणी साइबर थाने में कई शिकायतें आई थी। शिकायतकर्ता जतिन पाल द्वारा थाने में दी गई शिकायत पर इंक्वायरी करने पर पता चलता है, इस तरह के गैंग दिल्ली के जनकपुरी और उत्तम नगर इलाके में एक्टिव हैं। अतः एसीपी ब्रह्मजीत सिंह और इंस्पेक्टर अजय दलाल के सुपरविजन में एसआई विजेंद्र कायदान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस, मनी ट्रेल और मुखबिरी के तहत मिली इन्फॉर्मेशन पर काम किया और इस आधार पर जनकपुरी व उत्तम नगर से सिद्धार्थ कार्की व आयुष राजपूत नाम के दो साथी ठगों को अरेस्ट किया। इनके कब्जे से हमें 3 लैपटॉप, 9 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन, 2 वाईफाई राउटर, 2 सीपीयू, 23 डेबिट कार्ड्स, 2 एप्पल एयरपॉड्स और एक स्टाम्प के साथ साथ 47,000 का नगद कैश रुपये भी बरामद हुए। शुरुआती जांच में हमें ये पता चलता है कि ये तेलंगाना राज्य के 2 अन्य केस में भी वांछित हैं और साइबर क्राइम पोर्टल पर चेक करने पर पता चला कि इनके खिलाफ 40 के करीब अन्य ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बतलाया कि अब तक 4